हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम जानेंगे, डिफरेंट टाइप की जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके बारे में जानेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। माय डियर फ्रेंड, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हम डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो क्या होती है। माय डियर फ्रेंड, जो हमारे पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनका अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना, इन सभी समस्याओं का जो समाधान होता है वो किसके अंदर होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारी डिफरेंट टाइप की जो इकोनॉमी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्री टाइप की जो हमारी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो हमारे जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की जो हमारी इकोनॉमी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी बात है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो बेसिस है इसके ऊपर हम देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहली बात हम करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो हमारा क्या है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो हमारी कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वो इस प्रकार की इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो नेम्स ऑफ प्रोडक्ट होता है वो किसके हाथों में होता है, प्राइवेट हाथों के अंदर होता है। तो उसके अंदर क्या है, ओनरशिप किसकी मानी जाती है, प्राइवेट ओनरशिप मानी जाती है। सेकंड वन क्या है, प्राइस डिटरमिनेशन क्या है, तो प्राइस आर डिटरमाइन बाय द मार्केट, और मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई रूल क्या है इसमें काम करता है। जैसे ही मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट का क्या करते हैं, हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं। दूसरी क्या बात है, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन। भाई जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव माना जाता है। प्रोडक्शन का मोटिव क्या माना जाएगा, प्रॉफिट मोटिव माना जाता है। अब बात करते हैं अगले की कि भाई रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके अंदर जो रोल होता है गवर्नमेंट का वो कैसा माना जाता है, उसके अंदर रोल नहीं माना जाता, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। सेकेंड क्या बात है, जो कंपटीशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, एक बहुत भारी जो है कंपटीशन माना जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट हाथों में नेम्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग करते हैं, और इसमें मोटिव क्या माना जाता है, प्रॉफिट मोटिव माना जाता है। सेकेंड, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता और कंपटीशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सेकेंड अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर सरकार का जो है हाथ होता है, गवर्नमेंट का जो हाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट, या फिर जिसको बोल सकते हैं पब्लिक जो है ओनरशिप बोल सकते हैं। तो हमारा ओनरशिप जो प्रॉपर्टी का क्या बन जाएगा, पब्लिक ओनरशिप माने। प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा, जो भी गवर्नमेंट की सेंट्रल प्लानिंग एंड अथॉरिटी है वो क्या करती है, इसके अंदर प्राइस डिटरमाइन करती है, प्राइस डिसाइड करती है। अब जिस प्रकार से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मोटिव ऑफ प्रोडक्शन क्या था, हमारा प्रॉफिट था, इसी प्रकार से जो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसमें क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर होते हैं, सबका साथ सबका विकास, इस धारणा को लेकर के क्या है इसमें चला जाता है, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर का जो है प्रोडक्शन ऑफ मोटिव होता है। दूसरी बात, जो हमारे रोल ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें क्या माने, कंप्लीटली रोल इसमें माना जाता है। तो यहाँ पर तो क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर तो कोई भी रोल नहीं था, मगर जब यहाँ बात आ रही है कि भाई जो नेम्स ऑफ प्रोडक्शन ही किसके हाथों में, सरकार के हाथों में, तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे, रोल जो होगा गवर्नमेंट का वो क्या माना जाता है, कंप्लीट जैसे रोल माना जाता है। कंपटीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ नो कंपटीशन वाली सिचुएशन होती है। जब हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जान लिया, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जान लिया, तो अब हम जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि कुल मिलाकर के बात क्या है, इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो हमारी वो क्या बन जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या था, प्राइवेट जो है हाथों में नेम्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, जो पब्लिक ओनरशिप मानी जाती है। अब मिक्स इकोनॉमी होगा, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक के हाथों में भी कुछ एक सेक्टर आते हैं और प्राइवेट के हाथों में भी कुछ एक सेक्टर आते हैं। प्राइस डिसाइड कौन करेगा, प्राइस डिटरमिनेशन की अगर हम बात करें तो प्राइस डिटरमाइन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई। तो जो सेक्टर गवर्नमेंट के हाथों में आते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के हाथों में आता है, वो तो क्या करेगा, सेंट्रल जो है अथॉरिटी करेगी उसका, और जो कैपिटलिस्ट के अंदर आता है, जो
प्राइवेट हाथों के अंदर आती है उसकी क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर उनके जो है प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। बात करें मोटिव की, जिस प्रकार से हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रॉफिट मोटिव था, इसका सोशल था, तो उसी प्रकार से इसमें माना जाएगा जो भी क्षेत्र, जो भी सेक्टर किसके अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, उनका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होता है, और जो पब्लिक सेक्टर है उसका क्या मोटिव होता है, वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर, इसका प्रॉफिट मोटिव जो मोटिव माना जाता है प्रोडक्शन का। बात करें रोल की, भाई गवर्नमेंट का जो रोल है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, फुल रोल इन पब्लिक सेक्टर, जो भी जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर क्या माना जाता है, फुल रोल माना जाता है, और जो लिमिटेड रोल माना जाता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर का जो है इसमें लिमिटेड रोल माना जाता है। बात करें कंपटीशन की, तो एग्जिस्ट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसी के अंदर क्या माना जाता है, इसमें कंपटीशन माना जाता है, अदरवाइज कोई भी कंपटीशन नहीं होता। आई होप माय डियर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ में चैनल के साथ में बने रहिए।